सावन माह के दूसरे सोमवार को जबलपुर में गुप्तेश्वर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालु भक्तों ने बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्रद्धालु भक्तों ने बताया कि यहां पर श्री रामचंद्र भगवान ने वनवास के दौरान शिवलिंग स्थापना और गुप्त रूप से उनका पूजन किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर रखा गया। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भक्त भगवान भोलेनाथ का पूजन करने आते हैं, जिससे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महादेव मंदिर में जहाँ पर ये एक ऐतिहासिक मंदिर में गिना जाता है, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जो भगवान हैं वो अपने वनवास काल के दौरान पर यहाँ पर जो आकर के गुप्त गुफा में आकर के यहाँ पर जो भगवान महादेव शिव का पूजन किए थे, शिवलिंग की स्थापना किए थे, और ऐसा ही ऐतिहासिक मंदिरों के यहाँ पर दर्शन होते हैं। आज ये कुछ जो पट है ये बंद रहता है, लेकिन आज जो सावन श्रावण मास पर ये जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पट खोला गया है, आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। ये ऐतिहासिक शिवलिंग है जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान रामचंद्र जी जो आए थे और भगवान ने यहाँ पर आकर के शिवलिंग की स्थापना करी, और आकर के जो शिवलिंग की स्थापना करने के बाद यहाँ पर जो है पूजन किया। पूजन करने के बाद ये इस तरह की जो स्थापना शिवलिंग की जो स्थापना की गई थी, इस ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भक्त दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आते हैं, और ऐसी मान्यता के साथ जो श्रद्धालु भक्त है यहाँ पर हर मनोकामना श्रावण के महीने में जो आते हैं पूर्ण होती है, और इस श्रावण के महीने में जो भी मनोकामना है वह भगवान भोलेनाथ भक्तों की मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करते हैं।